तो गाइस YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में काफी टाइम लग सकता है, कई लोगों के 3 महीने के अंदर, कई लोगों के 6 महीने के अंदर और कई लोगों को 1 साल भी लग सकता है। हालांकि काफी सारे ऐसे अमीर यूट्यूबर होते हैं जिनकी यूट्यूब चैनल पे 3 महीने के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर फिनिश हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग ठहरे गरीब, इसलिए हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, बट आप अपनी YouTube चैनल पे मेहनत तो कर सकते हैं। मेहनत के थ्रू आप अपनी YouTube चैनल पे मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर फिनिश कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, YouTube चैनल जब आप स्टार्ट करते हैं तभी सबसे पहले आप YouTube पे एक ही चीज़ सर्च करते हैं कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादातर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपको अपनी स्किल के हिसाब से अपनी YouTube चैनल पे वीडियोस बनाते जाने हैं। आपकी YouTube चैनल पे आप जब वीडियोस अपलोड करते हैं तभी आपको पता चलता है, आपकी ऑडियंस आपको बताती है कि किस टॉपिक पे आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा चलने वाली है और आपका जो टैलेंट होता है उस टॉपिक पे ही आपको अपनी YouTube चैनल पे लगातार वीडियोस बनाते रहना है। और स्टार्टिंग में टाइम में आपको क्या करना है कि लोगों को बोर नहीं करना है। जब आप स्टार्ट करते हैं YouTube चैनल, आपको 2 से 3 मिनट में आपकी YouTube चैनल पे आप जो भी बताना चाहते हैं उसका फुल एक्सप्लेन कर देना है ताकि लोग आपकी YouTube चैनल पे बने रहे। और स्टार्टिंग में कई सारे लोग ऐसा करते हैं, इंट्रो लगा देते हैं और स्टार्टिंग में ऐसा बोल देते हैं भाई हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी YouTube चैनल पे ऐसा मिलता है ऐसा मिलता है। तो ये सब कुछ आपको अपनी YouTube चैनल पे नहीं करना है, आपको अपने कंटेंट पे ही फोकस करना है। पहली बात कि आपको वहाँ पे कम से कम मिनट का वीडियो बनाना है। उससे क्या होता है कि ऑडियंस को वो जो नॉलेज लेने आने वाली है वो नॉलेज लेके चली जाती है और आपकी YouTube चैनल पे फुच वॉच टाइम भी वहाँ पे इंक्रेस हो जाता है। तो इसी तरह से आपका वॉच टाइम वहाँ पे आप अपनी YouTube चैनल पे बिठा दे रखते हैं, यानी कि उसको अपनी YouTube चैनल का जो वीडियोज़ होता है उस पर आप बढ़ा के रखते हैं, तो उससे भी आपकी YouTube चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादातर क्या करते हैं YouTube चैनल पे एक ही कंटेंट पे फोकस नहीं करते। कोई भी वीडियो वायरल हो गई तो उस टॉपिक पे वीडियो बना डालते हैं, उसके बाद अगर गेमिंग चैनल ज़्यादातर व्यूज़ आते तो उस टॉपिक पे वीडियो बना देते, अमित बड़ाना का वीडियो देखा कॉमेडी वीडियो डाल देते। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी YouTube चैनल पे कोई भी एक कंटेंट पे फोकस कीजिए। आपको अपनी YouTube चैनल पे टेक कैटेगरी की है, कॉमेडी है, म्यूजिक रिलेटेड है, गेमिंग है, तो आपको वहाँ पे उस रिलेटेड ही लगातार वीडियोस अपलोड करने हैं और एक दिन के अंदर आपका हो सके उतना ज़्यादातर वीडियो अपलोड करने हैं। 2 से 3 वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पे एक दिन के अंदर अपलोड करना है। व्यूज़ पे आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आसानी से आपकी YouTube चैनल पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह से वर्क करते रहना है। आपको अपने YouTube चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। आपकी क्वालिटी में वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो बताने का तरीका होता है, आप लोगों को समझा रहे वो सारी जो चीज़ें होती है उसे आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। और आप स्टार्टिंग में वीडियो बनाते होंगे तो आप कैमरे के सामने अच्छी तरीके से नहीं बोल पा रहे होंगे। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही होता था, मैं कैमरे के सामने जो होता है वो नहीं बोल पा रहा था। बट जैसे ही जैसे आप अपनी YouTube चैनल पे वीडियोस डालते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, उसी तरह से आपको नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ने की वजह से आपकी YouTube चैनल धीरे धीरे बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका कंटेंट तो है ही आपके पास और आप क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं और आपका बोलने का तरीका भी लोगों को धीरे धीरे पसंद आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं ये बंदा काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो आपकी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और इसी तरह से भी आप अपने YouTube चैनल पे 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर लगातार वीडियोस अपलोड करते होंगे और एक ही कंटेंट के वीडियो अपलोड करते होंगे तो कोई ना कोई वीडियो आपका चलेगा और उससे आपकी YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आप आसानी से फिनिश कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, एक यूट्यूबर जो होते हैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल की जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से जो भी यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर है उसे आपको फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अच्छी तरीके से गेमिंग खेलना आता है या तो आप टेक्नोलॉजी में माहिर है तो उसी हिसाब से आपके यूट्यूबर जो होते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर उनकी यूट्यूब चैनल पर आपको विजिट लेनी है। विजिट लेने के बाद उनकी जो कॉमेंट सेक्शन होती है उस पर काफ़ी सारे वहाँ पे कॉमेंट्स होते हैं जो कि वो बड़े यूट्यूबर होने की वजह से वो उन्हें रिप्लाई नहीं दे पाते,
बट आपको अगर उस चीज़ की नॉलेज है तो आप उन्हें रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादातर मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि जो मेरे कैटेगरी के लोग हैं उनकी कॉमेंट्स जो होती है वो मैं पढ़ पढ़ के दोस्तों अपनी यूट्यूब चैनल पर टॉपिक बनाता था। और इसी तरह से दोस्तों आपको वर्क करते रहना है, आपकी कैटेगरी का जो भी यूट्यूबर है उनकी कॉमेंट सेक्शन में उनका जो क्वेश्चन होता है उसका आपको अच्छा सा आंसर आता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो वो आपकी YouTube चैनल पे विजिट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आपने उसका सही तरीके से रिप्लाई दे दिया तो सबसे पहले तो वो आपकी YouTube चैनल के लिंक पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो लोगो होता है आपकी YouTube चैनल का नाम वहाँ पे क्लिक करके आपका कंटेंट देखने आएंगे। तो उसी वजह से दोस्तों आपका जो रिप्लाई देने का जो तरीका होता है और आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको वहाँ से भी सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। और कॉमेंट सेक्शन में भी दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है तो वो वहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई अगर आपको आता है, आप एक छोटे यूट्यूबर है और बड़े यूट्यूबर को आप रिप्लाई देते हैं तो हो सकता है वो आपके साथ कोलैबोरेशन कर दे या तो आपको आपका कंटेंट देखकर वो आपको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर लगातार वर्क करते रहना है और वर्क करने की वजह से भी दोस्तों आप अपनी यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है वो आसानी से फिनिश कर पाएंगे। और आप स्टार्टिंग में गूगल एडवर्ड या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है उससे आप बिल्कुल भी सब्सक्राइबर मत ले, क्योंकि दोस्तों आप जो स्टार्टिंग करते हैं तभी आपके जो सब्सक्राइबर आते हैं वो आपके लाइफ टाइम के सब्सक्राइबर होते हैं। तो उसी तरह से ही आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करते रहना है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि दोस्तों आपको हमारी चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और आपकी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।